हेलो गाइस, फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग स्क्रीनर्स की मदद से लाइव मार्केट को स्कैन कर सकते हैं, यानी कि फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स आपको दिखने वाले हैं ना, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होने वाले हैं। इसके अंदर मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इलस्ट्रेट कर रहा हूँ कि कैसे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं लाइव मार्केट स्क्रीनर की मदद से। तो सीधे मैं आपको लेके चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे हमारे खुला हुआ है स्कैनएक्स का प्लेटफॉर्म, जो कि धन का है। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी स्टॉक की स्क्रीनिंग करने के लिए। आपको इसे ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। आप अपने धन के क्रेडेंशियल से सीधे इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, और सारी फीचर्स को आप इसके अंदर फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास धन का एक अकाउंट नहीं है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर अपने होम पेज पर हैं, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि आपको एक सर्च आइकन दिख जाएगा कि जिसके अंदर आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। अभी के लिए बात कर लेते हैं लाइव मार्केट स्क्रीनर की। अभी हम यहां पे आएंगे ऊपर लाइव, यानी कि लाइव मार्केट स्क्रीनर में। खास बात यह है कि यह तभी काम करता है कि जब आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, जब यह ओपन होता है तभी यह काम करता है। अभी यहां पे लिखा हुआ है कि सर्च कर रहा है स्टॉक्स को। ओके, तो यहां पे प्री अप्लाइड फिल्टर्स आपको पहले से देखने को मिल जाते हैं। आपके पास बहुत सारी ईज ऑफ कन्वीनियंस होता है, जिसके अंदर आप फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे हमारे पास अलग अलग फिल्टर हैं, यानी कि बुलिश सिग्नल का। आप अगर बुलिश सिग्नल की तरफ जाते हैं, मैं इसे बियरिश सिग्नल को हटा देता हूं, ठीक है, और नियरिंग हाई को भी मैं हटा के मैं नियरिंग लो को भी हटा देता हूं, ठीक है। तो अभी यहां पे आप जिस भी फिल्टर्स को आप अप्लाई करेंगे बुलिश सिग्नल के अंदर, अगर आप किसी को अगर अप्लाई करते हैं कि आपको सिर्फ डे हाई को देखना है, या फिर वीकली हाई, टू वीक्स हाई, मंथली हाई, क्वार्टरली हाई, 52 वीक्स हाई, या फिर रेजिस्टेंट वन, रेजिस्टेंट टू, रेजिस्टेंट थ्री का अगर आपको ब्रेकआउट अगर आपको देखना है, जिन स्टॉक्स के अंदर अगर आपको देखना है, वो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। साथ ही में अपर सर्किट ब्रेक का भी इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो अपर का जो सर्किट होता है, जो ब्रेक होता है, तो कौन से स्टॉक्स हैं जो इसके अंदर फिल्टर होके आ गए हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख पाएंगे। इसके अंदर आप अलग अलग इंडेक्स को भी आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी निफ्टी 50 के अंदर मैं कर देता हूँ, तो फिर निफ्टी 50 के अंदर जो भी आपके जो स्टॉक्स हैं वो सारे दिखाई देंगे आपके डिज़ायर्ड फिल्टर के अनुसार। अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नल का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पोटेंशियल वॉल्यूम या फिर अनयूजुअल वॉल्यूम का भी आपको इसके अंदर फीचर देखने को मिल जाता है। राइज एंड फॉल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो फिर आप इसके अंदर देखेंगे कि आपको जो राइज है और जो फॉल है वो कितने कितने परसेंट का हुआ है। आप उसके अंदर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर्स को, जिससे कि आप स्टॉक्स को आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अभी के लिए हम वेट कर लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल कर रहे हैं, जो हमने फिल्टर अप्लाई किए हैं, उसमें वो कौन कौन से स्टॉक्स निकल के आ गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं निफ्टी 500 के अंदर, जिसके अंदर मैंने बुलिश सिग्नल को यहाँ पे टारगेट किया है, यानी कि 2 वीक्स और मंथली, और साथ ही में क्वार्टरली 52 वीक्स का हाई, R1, R2, R3 का ब्रेकआउट, और अपर सर्किट का जो ब्रेकआउट होता है वो यहाँ पे मैंने लगाया, नियरिंग लो का भी मैंने लगाया फिल्टर, और राइज एंड फॉल का भी यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया है। अब उसके हिसाब से जितने भी रिलेवेंट स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, जैसे कि टाटा एलेक्सी यहाँ पे। अच्छा, आपको कई सारे स्टॉक्स आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे मंथली हाई दिखाई दे रहे हैं, कुछ 2 वीक्स हाई में है, और कुछ आपके अलग अलग क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको अलग अलग, अभी आप देखिए जिंदल आ गया, आपको अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो आपके जो फिल्टर्स आपने अप्लाई किए हैं उसके रिलेवेंट जो भी चीज़ें होंगी वो निकल के आ जाएंगी। लाइव प्राइस के साथ साथ आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई देगा कि कितनी इसकी वॉल्यूम है, और साथ ही में आपको इसका टाइम फ्रेम दिखाई देगा कि कब किस टाइम की बात ये कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने लाइव मार्केट में स्कैनिंग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से आप स्कैनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लाइव मार्केट स्कैनिंग कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।